मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम राजस्थानी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है और सब इसको अलग-अलग तरह से बनाते हैं। और ये दिखने में बहुत ही अच्छी दिख रही है, तो लहसुन की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 साबुत लाल मिर्च को गर्म पानी के अंदर धोकर अच्छे से 10 मिनट के लिए भिगो दिया और आधा कप लहसुन को अच्छे से छील लिया है। और ये लहसुन आधा लाल मिर्च के अंदर डालकर पीसेंगे और आधा लहसुन काट कर तड़के में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर 3 से 4 चम्मच दही की ली है। दही से लाल मिर्च की चटनी बहुत तीखी नहीं बनती और इसका स्वाद भी थोड़ा खट्टा खट्टा आता है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर ये लाल मिर्च डाल देंगे और इसका पेस्ट तैयार करेंगे। और आपके पास साबुत लाल मिर्च नहीं है तो पिसी हुई लाल मिर्च का भिगो कर यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो पानी भिगोने में यूज़ किया था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर एक बार के लिए दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। तो दरदरा पेस्ट यहाँ पर तैयार हो गया है, तो इसके अंदर 3 चम्मच दही डालेंगे और आधा लहसुन डालेंगे और फिर दोबारा से इसका पेस्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पर लाल मिर्च का अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया है, तो इस तरह का टेक्सचर है इसका। और इसको एक कटोरी के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर इस चटनी के अंदर आप नमक डालकर इसको कच्ची भी खा सकते हैं, ये चटनी कच्ची भी बहुत ही अच्छी लगती है। और हम इसको तड़का लगाकर अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सारे लहसुन को यहाँ पर काट लिया है। और अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, जिसको अच्छे से गर्म होने के बाद में इसके अंदर 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। और टेबल स्पून के हिसाब से नाप कर इसको 4 चम्मच तेल डाल सकते हैं। और इसके अंदर तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और अब इसके अंदर तेल गर्म होने के बाद में लहसुन डाल देंगे। यहाँ पर मैंने जीरा नहीं यूज़ किया है, और आप इसके अंदर जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन की चटनी बना रहे हैं तो सिर्फ लहसुन का ही यूज़ किया है। और लहसुन अच्छे से ब्राउन होने के बाद में ये पिसा हुआ लाल मिर्च का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। और इस तरह से सारा पेस्ट इसके अंदर डाल कर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। जब तक मिर्च का कच्चापन नहीं जाए तब तक इसको अच्छे से पकाते रहना है और चम्मच को लगातार चलाते रहना है, जिससे दही फटे ना। और 2 से 3 मिनट के बाद में चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मिर्च अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है, तो 5 से 7 मिनट में ये मिर्च अच्छे से पक जाएगी। और इसको आप फ्रिज में 7 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। और अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक डाल देंगे और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक आप पहले भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये लाल मिर्च की और लहसुन की चटनी तैयार हो गई है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और लहसुन की चटनी ज़रूर बनाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।